हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदिल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक इंस्टेंट डीसी वाटर हीटर। और इस इंस्टेंट डीसी वाटर हीटर को बनाना काफ़ी आसान है और आप आसानी से इसको घर पे बना सकते हैं। इसे 12 वोल्ट की किसी बैटरी सप्लाई या फिर आप सोलर पैनल से डायरेक्टली चला सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पीवीसी का पाइप ले लिया है और ये 63 mm वाला पीवीसी पाइप है। ये आपको आसानी से सैनिटरी वाली शॉप से मिल जाएगा और इसकी लेंथ जो है वो मैंने अप्रॉक्स 1 फीट के आसपास में ली है। इसकी दोनों साइड को कवर करने के लिए मैंने यहाँ पे एक पीवीसी पाइप की शीट ली है और इस पीवीसी पाइप की शीट से मैं 4 गोले कट करूँगा, क्योंकि ये जो साइडें हैं इसकी, इसको कवर करने के लिए हमने एक साइज़ के 4 गोले कट करने हैं। और ये 4 गोले क्यों कट करने हैं ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर 4 गोले कट कर लिए हैं और इस तरह के गोल शेप के अंदर गोले कट हो गए हैं, जो कि हमारे जो पाइप है उसके अंदर आसानी से फिट हो जाएंगे। तो इन दोनों गोलों को हम आपस में चिपकाएंगे, यानी कि जो 4 गोले हैं इसमें से 2 गोलों को हम आपस में इस तरह से चिपकाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, जो ये पाइप है इसकी साइडें जो है मजबूती के साथ इस तरह से जुड़ी रहेंगी। अब हम इंस्टेंट ग्लू की हेल्प से पीवीसी पाइप के जो 2 गोले हमने कट किए थे इनको आपस में इस तरह से चिपका देंगे और ये आपस में इस तरह से मजबूती से जुड़ जाएगा। अब जो 2 गोले हमने और कट किए थे उसमें से 1 गोले के ऊपर इस तरह से राउंड शेप में मैं 3 मार्क लगा रहा हूँ और यहाँ पर हम होल कर देंगे ड्रिल की हेल्प से। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन दोनों गोलों को इस तरह से रख के हम यहाँ पे चिपका देंगे और जो 3 होल हमने फ्रंट के गोले में किए थे तो यहाँ पे दूसरे होल भी बना देंगे। ठीक है, तो इन दोनों गोलों को अच्छी तरह से चिपका के इसमें होल कर दिया है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं ले रहा हूँ 3 ग्लो प्लग और ये आपको ऑटो स्पेयर पार्ट्स की शॉप में आसानी से मिल जाएंगे। ये ग्लो प्लग फ्रेंड 12 वोल्ट डीसी पे चलते हैं, इसे आप बैटरी या फिर किसी सोलर पैनल से चला सकते हैं। तो इन्हें लगाने से पहले फ्रेंड्स, मैं ग्लो प्लग की आपको टेस्टिंग करा देता हूँ। एक वायर हमको यहाँ पे लगाना है, दूसरा इसकी बॉडी पे आप कहीं लगा सकते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, यहाँ पे दोनों वायर आपने लगानी है, सोलर की चाहे बैटरी की, जो भी वायर आप लगाएं तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 12 वोल्ट की मेरे पास बैटरी है, एक टर्मिनल को मैं यहाँ पे रख देता हूँ और दूसरे इसकी बॉडी के साथ में टच कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे विद इन अ सेकेंड यहाँ पे फ्लेम निकलना स्टार्ट हो गया है और आप देख सकते हैं जो ग्लो प्लग है उसकी टिप रेड हॉट होना स्टार्ट हो गई है और इसकी बॉडी पे मैंने हाथ रखा हुआ है, वहाँ से बिल्कुल भी ये हॉट नहीं होती है। सिर्फ इसकी जो टिप है वही हॉट होती है, आप देख सकते हैं इसकी बॉडी बिल्कुल ठंडी है और सिर्फ इसकी जो टिप है वो हॉट हुई है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे वेस्ट मटेरियल में से एक पुराना टैप मैंने ले लिया है और इस टैप में से इतना टुकड़ा हम यहाँ पे कट कर लेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे कट कर लिया था। यहाँ पे इस टुकड़े को बिल्कुल इस जगह पे रख के राउंड शेप में हम पेंसिल की हेल्प से मार्क लगा लेंगे और फिर इस जगह को कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बिल्कुल इस तरह से इस जगह पे ये फिट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस डीसी वाटर हीटर का आउटलेट लेने के लिए मैंने यहाँ पे एक न्यू टैप ले लिया है। इस टैप को मैं एज एन आउटलेट यूज करूंगा, यानी कि वाटर का जो आउटलेट है उसके तौर पे यूज करेंगे। आप देख सकते हैं टैप का जो नीचे वाली साइड है ये बहुत छोटी है, तो वाटर आउटलेट को थोड़ा बड़ा करने के लिए यहाँ पे मैं इस जगह का टुकड़ा कट कर लेता हूँ। अब पाइप की इस जगह पे अप्रोक्स 20 mm का हमको होल करना है। तो फ्रेंड्स, टैप को यहाँ पे फिट कर देंगे। टैप की ये जगह थोड़ी सी बड़ी है तो मैं इसको कट कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कट कर लिया है और अब यहाँ पे बिल्कुल इस जगह पे फिट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे ले रहा हूँ मैं पीवीसी सीलेंट और ये सीलेंट इसलिए यूज कर रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे जो छोटे छोटे पोर्स रह जाते हैं उनको फिल करने के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। और यहाँ पे जो आप देख सकते हो टैप की जो साइडें हैं मैं इसको फिल कर दूंगा इस पीवीसी सीलेंट से। तो क्या होगा कि ये पीवीसी सीलेंट इस जगह को बिल्कुल टाइट करके बंद कर देगा और यहाँ पे लीकेज बिल्कुल भी नहीं रहेगी। अब फ्रेंड्स, मैंने लिया है यहाँ पे बाइसिकल की ट्यूब और इस ट्यूब से मैं यहाँ पे एक होल बना के इस तरह से वाशर बनाने वाला हूँ, जो कि पीछे का इनलेट हमने दिया था। और यहाँ पे देख सकते हो मैं बिल्कुल इस जगह पे यहाँ पे इंस्टेंट ग्लू से इसको चिपका लेता हूँ और इस तरह से जो हमारा बैक साइड का जो इनलेट है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पे फिट हो जाएगा और बिल्कुल सील भी हो जाएगा, यहाँ पे लीकेज का इशू नहीं रहेगा। अब फ्रेंड, मैं यहाँ से बैक साइड से इसको टाइट कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको कस देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम पीवीसी सीलेंट का यूज़ करके जो इसके पोर्स वगैरह हैं उनको बंद कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे ले रहे हैं मैं अच्छे वाला एक कॉपर वायर और इस कॉपर वायर से जो 3 हमने ग्लो प्लग लिए थे उनकी ये जो नीचे बॉडी वाली साइड है और जो टिप है इनकी, वहाँ पे हम वायरिंग कर देंगे। तो आप वायरिंग या तो सोल्डर कर दें और या इस तरह से, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे नीचे की जो साइड है बॉडी की वायरिंग की है, तो वायर मैंने यहाँ पे लगा के अच्छी तरह से टाई कर दिए थे। आप चाहो तो प्लायर की हेल्प से इसे अच्छी तरह से टाई कर सकते हो। ऊपर के पॉइंट में बाद में लगाऊंगा,
तो फिलहाल मैं यहाँ पे इसको फिट कर लेता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे 3 रबर की वाशर बना ली थी और इन वाशर को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ये मैंने बाइसिकल ट्यूब से ही बनाई है और यहाँ पे 3 मैंने नट ले लिए हैं। ये नट भी मुझे ऑटो स्पेयर पार्ट की शॉप से मिल गए थे, तो ये तीनों ग्लो प्लग के ऊपर में आसानी से इस तरह से लग जाएंगे। अब यहाँ पे जो हमने सीलें बनाई थी, जो कि हमने रबर से बनाई थी बाइसिकल ट्यूब वाली, तो यहाँ पे मैं इंस्टेंट ग्लू की हेल्प से बहुत अच्छे से इसको चिपका लूंगा। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ऊपर की जो टिप है उसके भी तीनों पॉइंट को पैरेलल में जोड़ दिया था और अब ये 2 पॉइंट हो गए हैं। यहाँ पे हमने वायरिंग करनी है, तो अब इस गोले को हम यहाँ पे लगा देंगे और ग्लू की हेल्प से यहाँ पे मैं इसको अच्छी तरह से चिपका लूंगा। और ग्लू खुश्क होने के बाद यहाँ पे पीवीसी सीलेंट से इसे अच्छी तरह से जोड़ देंगे, जिससे पोर्स इसके बंद हो जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पे ले रहा हूँ मैजिक सुपर बॉन्ड और ये आपको हार्डवेयर की शॉप या फिर सैनिटरी शॉप से आसानी से मिल जाएगी। आप इसकी जगह पे एमसील का यूज भी कर सकते हैं। तो अब फटाफट से यहाँ पे इस बॉन्ड को लगा देंगे और थोड़ी देर के लिए इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। तो भाई 10 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था और अब ये बिल्कुल हार्ड हो चुकी है और ड्राई हो चुकी है। तो यहाँ पे ये जगह बिल्कुल ही सील हो जाएगी फ्रेंड्स, यहाँ पे लीकेज का बिल्कुल कोई इशू नहीं रहेगा। अब टैप को आपने देखना है और यहाँ पे जो ग्लोब लगे हैं बिल्कुल इस तरह से नीचे की साइड पे होने चाहिए और इनलेट थोड़ा ऊपर की साइड पे हमने रखना है। तो यहाँ पे मैंने इसको फिट कर दिया है और उसके बाद मैं इंस्टेंट ग्लू से सबसे पहले इसको चिपका लूँगा और उसके बाद यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पीवीसी सीलेंट का। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं पीवीसी सीलेंट को अच्छी तरह से लगा दूंगा। उसके बाद फ्रेंड्स मैं ले रहा हूँ यहाँ पे एक ऑन ऑफ के लिए स्विच और यहाँ पे मैं एक यूज़ कर रहा हूँ इंडिकेटर लाइट। इस इंडिकेटर लाइट में 3 वोल्ट की एक LED है और उसकी पॉजिटिव लेग के साथ में 1K का रजिस्टर जुड़ा हुआ है। और अब यहाँ पे इंडिकेटर लाइट और स्विच के लिए मैं 2 होल्स बना लेता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वायरिंग के लिए मैंने 2 नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए 2 कॉपर वायर लिए हैं, अच्छे वाले। ये 2.5 mm के कॉपर वायर हैं और बहुत अच्छे वाले कॉपर वायर आपने यहाँ पे यूज करनी है। तो अब फ्रेंड्स सबसे पहले मैं इंडिकेटर लाइट को यहाँ पे लगा देता हूँ और ये हम लगाएंगे नेगेटिव और पॉजिटिव के हिसाब से, क्योंकि हमारा जो इंडिकेटर लाइट है वो ग्लो नहीं करेगा, आप वायरिंग उलट कर देंगे। तो अब जो ग्लो प्लग के दोनों पॉइंट्स पे हमने वायर कनेक्ट किए थे वहाँ पे एक साइड को हम नेगेटिव कंसिडर कर लेते हैं और इंडिकेटर लाइट की नेगेटिव वाली वायर यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे और यहाँ पे इनपुट नेगेटिव सप्लाई जो कि हम बैटरी या फिर सोलर से देंगे वो भी यहीं पर ही कनेक्ट होगी। और ये दूसरा वायर जो इसका पॉजिटिव वाला है वो हम यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं, इसके साथ में हम स्विच को और इनपुट पॉजिटिव सप्लाई को कनेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो इंडिकेटर का दूसरा लाइट यहाँ पे स्विच की इस पॉइंट पे कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ग्लो प्लग से आने वाला दूसरे वायर पे मैंने एक कॉपर वायर अच्छे वाला कनेक्ट कर दिया है और इसे स्विच के उसी पॉइंट पे कनेक्ट करने वाले हैं जहाँ पे हमने इंडिकेटर का पॉजिटिव कनेक्ट किया था। तो अब फ्रेंड्स जो पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए हमने 2 वायर ली थी इनको कनेक्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो जहाँ पे इंडिकेटर का नेगेटिव कनेक्ट हुआ था, तो सेम पॉइंट पे यहाँ पे नेगेटिव वाला वायर हम कनेक्ट कर देंगे और पॉजिटिव वाला वायर हम कनेक्ट करेंगे स्विच के दूसरे वाले पॉइंट पे जो कि हमने छोड़ दिया था। तो अब फटाफट से इस स्विच को हम यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारी वायरिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो फ्रेंड पीछे के सारे पार्ट्स को कवर करने के लिए यहाँ पे मैं ग्लू स्टिक का यूज कर रहा हूं। क्या होगा, जो हमारे पार्ट्स हैं वो शॉर्टेज से बच जाएंगे और वो अच्छी तरह से यहाँ पे फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ग्लू यहाँ पे हमने लगा दी है और अब पीछे की वायरिंग को कवर करने के लिए मैंने एक गोला कट किया था पीवीसी पाइप का, तो जल्दी से इसको भी यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं। तो भाई फाइनली यहाँ पे हमारा इंस्टेंट DC वाटर हीटर बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है और अब इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो भाई अभी फिलहाल के लिए मैं इसको 12 वोल्ट की बैटरी से जस्ट आपको ऑन करके दिखा देता हूं। तो मेरे पास है 12 वोल्ट 7 एम्पीयर की बैटरी, मैं जस्ट ऑन करके आपको दिखा देता हूं। देख सकते हैं यहां पे जो हमारा इंडिकेटर लाइट है बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से वर्क कर रहा है। वायरिंग उलट करेंगे तो इंडिकेटर लाइट ऑन नहीं होगी, लेकिन आपका हीटर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फिर भी वर्क करता रहेगा। इस इंस्टेंट DC वाटर हीटर के साथ मैं आपको 100 एम्पीयर या फिर उससे बड़ी बैटरी ही रिकमेंड करूंगा। तो फ्रेंड्स यहां पे हमने अपने वाटर हीटर को इंस्टॉल कर दिया है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो यहां पे 2 क्लिप की हेल्प से मैंने इसको दीवार के ऊपर इंस्टॉल किया है और यहाँ पे मैंने जो पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए 2 क्रोकोडाइल क्लिप्स भी यहाँ पे लगा दिए हैं। ये मैंने इसलिए लगाए हैं फ्रेंड्स ताकि जो हमारा इंडिकेटर लाइट है वो ग्लो हो सके। मैंने आपको पहले भी बता दिया था अगर आप उलट वायरिंग कर देंगे तब आपका इंडिकेटर ग्लो नहीं होगा लेकिन हीटर वर्क करता रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका कनेक्शन हमने एक टैप के साथ में करना है। तो इस वाटर हीटर में जो इनलेट के लिए जगह हमने छोड़ी थी वहाँ पे पाइप को कनेक्ट कर देते हैं और ये पाइप सीधा जाके कनेक्ट होगा इस टैप के साथ में। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास 2 170 वाट के सोलर पैनल हैं और यहाँ पे वोल्टेज आप देख सकते हो लगभग 20 के आसपास में वोल्टेज आ रहे हैं और ये यहाँ पे मैं कनेक्ट कर देता हूँ। इस पैनल की जो वायरिंग है वो इस हीटर के साथ में कनेक्ट हमने कर दिया पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से। ये जो 2 सोलर पैनल हैं ये हमने पैरेलल में कनेक्ट किए हुए हैं। तो यहाँ पे मैं टैप से पानी चालू कर देता हूँ तो इस पाइप के जरिए जो पानी है हमारे वाटर हीटर के अंदर जाएगा। अब इस हीटर में पानी हम थोड़ी देर स्टोर होने देंगे और यहाँ पे मैं स्विच को ऑन कर देता हूँ। तो इंडिकेटर लाइट आप देख सकते हैं कि ग्लो होना स्टार्ट हो गई है और हमारा जो हीटिंग प्रोसेस होगा हीटर का वो स्टार्ट हो चुका होगा।
तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको एम्पेयर दिखा देता हूँ कि कितने एम्पेयर ये ड्रॉ कर रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास क्लैंप मीटर है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अप्रोक्स 3.5 के आसपास में यहाँ पे जो एम्पेयर हैं वो ड्रॉ हो रहे हैं। और ये एम्पेयर थोड़े से कम है क्योंकि ये 3 ग्लो प्लग अप्रोक्स 15 एम्पेयर के आसपास में लेते हैं। तो आप देख सकते हैं जो हमारे सोलर पैनल उन हैं पे ठीक से धूप नहीं पड़ रही है क्योंकि यहाँ पे जो टाइम है वो कुछ ओवर हो चुका है और धूप जा चुकी तो है। भाई ठीक तो 5 मिनट गुजरने के बाद मैं यहाँ पे आपको टेम्परेचर दिखा देता हूँ कि कितने टेम्परेचर से हमारा जो पानी है वो गर्म हुआ है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं अप्रोक्स 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ पे जो हमारा पानी है वो गर्म हुआ है और यहाँ पे 30 से ऊपर जा रहा है अभी फ़िलहाल में। ये 30.3, 30.4 हो गया है और इसी तरह से 30.5 हो और गया इसी है। तरह से फिर टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता से डाउन होना स्टार्ट हो गया है 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अप्रोक्स 5 मिनट के बाद ये पानी गर्म हुआ है। तो फ्रेंड्स आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी देर में ये गर्म करेगा अगर आप इसको फुल एम्पियर देंगे, यानी कि 15 एम्पियर के आसपास में अगर आप इसको देंगे तो ये कितनी जल्दी गर्म करेगा पानी को। फ्रेंड्स आप इसके साथ 100 एम्पियर से ऊपर की बैटरी यूज़ करिए, अगर छोटी बैटरी यूज़ करेंगे तो बहुत जल्दी ड्रेन हो जाएगी और आपको रिजल्ट ठीक से नहीं मिल पाएगा। इसी तरह से पैरेलल में आप 170 या 150 वाट के 3 से 4 पैनल कनेक्ट कर देंगे तो भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो इस तरह की वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, आपसे मिलते हैं किसी भी नेक्स्ट वीडियो में।